नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, जय शनिदेव। नारायण जी, बात करेंगे आज नीलम रतन के ऊपर, बात करेंगे शनिदेव जी के ऊपर। नीलम रतन, नीलम की जब बात आती है तो सबसे पहले आज के दिन अमिताभ बच्चन जी का नाम आता है कि कौन बनेगा करोड़पति में। अमिताभ बच्चन जी ने नीलम पहना था तो उसके बाद उनकी KBC कंपनी बहुत राइज कर गई थी, बहुत अरबों खरबों उन्होंने कमाए। नीलम अमिताभ बच्चन जी ने शायद कोई शक नहीं है कि दुनिया का सबसे अच्छा वाला नीलम पहना हुआ है। नीलम की बात आती है तो घबराहट बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। नारायण जी, क्या मैं भी नीलम पहन सकता हूँ? नारायण जी, हमने नीलम पहना था, नींद नहीं आई, घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई बहुत ज्यादा। नीलम की बात आती है, नीलम यकीन मानो नीलम आपको जो दे सकता है शायद दूसरा रतन जिंदगी में इतना नहीं दे सकता आपको। एक नीलम रतन यदि आपको शूट करता है, आपकी बॉडी पे अगर वो जच जाता है, आपकी बॉडी नीलम को एक्सेप्ट कर लेती है, यकीन मानिए दोस्तों, जिंदगी के अंदर आपको नीलम ने आगे ही आगे लेके जाना है। नीलम 3 कलर के हैं, एक बिल्कुल डार्क कलर, एकदम डार्क, बहुधा कलर जिसको संस्कृत में बोलते हैं बहुधा, बहुत ज्यादा रंग वाला, एक हल्का नीला, कम नीला, और एक बिल्कुल लाइट कलर, आसमानी से कलर, बिल्कुल लाइट कलर, एकदम हल्का, बिल्कुल ही लाइट सा नीला। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, नारायण जी मुझे नीलम दो, बढ़िया एकदम मोर पंखी वाला, फर्स्ट क्लास। ठीक है, पैसा खर्च कर लो, अंत थोड़ी है कोई। आपका आपका बजट बनता है 10,000 रुपए का और आप सोचते हैं मोर पंखी नीलम डालने का, तो हाउस पॉसिबल? चलो, बजट आपका बन गया लाखों रुपए वाला, आप डाल लो। अब नीलम की बात आती है, सबसे पहले तो नीलम आपको जो पॉजिटिव इफेक्ट है, कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको 3 घंटे में दे देगा, 2 घंटे में दे देगा, 2 दिन में दे देगा, 3 दिन में दे देगा। मेरा अनुभव रहा है नीलम अच्छा फल जो है 3.5 महीने बाद रिजल्ट देता है, नंबर 1। नंबर 2, नीलम अगर बैड फल देगा, बुरा फल देगा, बैड एनर्जी देगा, तो 3 घंटे में, 3.5 घंटे में दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अच्छे फल की अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको 3 से 3.5 महीने का कम से कम मन बना के चलो। नीलम को दोस्तों आप सोने में पहन सकते हैं, पंच धातु में पहन सकते हैं और चांदी में भी पहन सकते हैं। ये कैलकुलेशन चलती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म स्थान, आपके जन्म समय के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ समय सही है, तो आपकी शनि की सिचुएशन देखी जाएगी, कुंडली में बैठे कहां हैं, उनकी दृष्टि कहां पड़ती है। अगर कुंडली कहती है कि नीलम शूट करेगा तो आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, कोई सिराने की रिचे रखने की जरूरत नहीं, कोई बाजू पर बांधने की जरूरत नहीं, आप बनवाओ और पहन लो। अब शनि के साथ चंद्रमा बैठे हैं तो चांदी में तो बिल्कुल नहीं पहन सकते। ये बारीक कैलकुलेशन है थोड़ी, इसके लिए आपको कुंडली में जाना पड़ेगा। आप कहते हैं नारायण जी कुंडली तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, साड़ी था डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, तो कैसे पता चले? तो परमात्मा ने हाथ दिया है तो आपका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड या दोनों हाथ की फोटो भेजे, हम बताएंगे आपको कि आपको शूट करता है कि नहीं करता। मिलिए आकर के मुझसे, अपॉइंटमेंट लेके मैं आपको बिल्कुल आपके शनि पर्वत की सिचुएशंस बताऊंगा एग्जैक्टली कि नीलम आपको शूट करेगा या नहीं। 17 प्रकार के नीलम होते हैं, एक जैसा नीलम नहीं है कोई। और नीलम दुनिया का सबसे अच्छा नीलम आप कहां का मानते हैं? आप श्रीलंका का बोलेंगे, पता है मुझे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे बेस्ट जो नीलम है कश्मीर का, मार पंखी कलर, शानदार कलर, दुनिया का बेस्ट कलर। नीलम 3 रत्ती से लेकर के 7 रत्ती के बीच में अमूमन डाला जाता है, लेकिन यहां बात आती है आपके ग्रहों की डिग्री।
आपके ग्रहों की पावर कितनी है, क्या आपके ग्रह 5 डिग्री से नीचे के हैं तो आपको पावर ज्यादा डालनी पड़ेगी, आपके ग्रहों की डिग्री कितनी है। एक बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है और वृद्धावस्था होती है। तो आपका शनि आपकी कुंडली में कौन से एज ग्रुप का है, जैसे आपकी उम्र होती है 100 साल की, 50 साल की या 25 साल की या 5 साल की या 1 साल की। कभी भी नीलम, बहुत सारे लोग बोलते हैं नारायण जी वजन के अकॉर्डिंग नीलम, मेरा तो 70 किलो वेट है, मैं तो 7 रत्ती, मतलब एक फिक्स फॉर्मूला बहुत लोगों ने सेट कर रखा है। 50 किलो मतलब 5 रत्ती, 70 किलो 7 रत्ती, पहन लो आज 70 किलो के हिसाब से, थोड़े दिन डाइट करोगे किसी वजह से, डॉक्टर ने सलाह दे दी, 10 किलो वेट टूट गया, बैलेंस बिगड़ गया आपका, तो ग्रह का क्या करोगे। आपकी बॉडी का वेट है 105 किलो, तो 10.5 रत्ती का आपका तो बन गया 10.5 रत्ती। अब आपका वेट, आपको कोई पत्नी मिल गई, आपकी गर्लफ्रेंड मिल गई, आपके रिश्तेदार कोई मिल गया, आपका डॉक्टर ने बोल दिया, कोई और कारण से आपने अपना वेट लूज करना शुरू कर दिया, तब कहाँ जाएंगे, वजन रह गया 80 किलो, आपका वजन रह गया 75 kg, फिट हो गए एकदम, तौंद निकली हुई थी खत्म हो गई। तो क्या हुआ नीलम, हमेशा आपकी कुंडली या आपकी हस्तरेखा के अकॉर्डिंग डालना है, ना कि वेट के अकॉर्डिंग। वेट को काउंट किया जाता है, लेकिन फर्स्ट कुंडली या हस्तरेखा में शनि की सिचुएशन कैसी है। नीलम दोस्तों, आपको इसमें कोई शक नहीं है, बहुत तरक्की देता है, कंसंट्रेशन खराब होती है उसको बनाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं नीलम आपने पहन लिया, स्पेशली अगर आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं और आपने नीलम पहन लिया, क्या बात है, बशर्ते आपकी कुंडली में नीलम का सुख होना चाहिए। ग्रह वो चीज भी देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं लिखी होती, लेकिन लेकिन अगर आपने धक्के से कोई चीज ली है, भगवान से, ग्रहों से, रत्न से, उपाय से, तो हर चीज का थोड़ा साइड इफेक्ट भी मिलता है। आपने ताकत ले ली कैप्सूल खा करके, तो ताकत तो आएगी पर उसका साइड इफेक्ट भी कुछ ना कुछ मिलेगा बॉडी में। पॉइंट क्या दोस्तों, सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवार, पुकया पुकना उतरे जे बन्ना पूरिया पार, सैस स्यान पा जे लख होवे ता इकना चले नाल। पॉइंट क्या है, सैस थाउजेंड्स ऑफ प्लानिंग, लख वार जे होन, लाखों बार अगर आपकी प्लानिंग भी होती है तब भी कुछ नहीं होता, तो ईश्वर की इच्छा से है। लेकिन ईश्वर की इच्छा के विपरीत आपने तपस्या करके, जप तप करके, कोई विद्या के बल पे आपने कोई चीज जो नहीं लिखी थी भाग्य में वो पा ली, जैसे जैसे मार्कंडेय ऋषि की आयु बहुत कम थी, बाल्यावस्था में मृत्यु होनी थी, माता पिता चिंतित थे, जब बच्चे को पता चला तो बोला माता पिता को, कहता पिताजी मेरी आयु इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, मैं भगवान के साथ तपस्या करके अपनी आयु लंबी कर लूंगा। मार्कंडेय जी अमर हुए। सती सावित्री की बात करेंगे, पति के यमराज से प्राण वापस लेके आई। पॉइंट क्या है, नीलम पहनने से, रतन पहनने से, तप करने से, भक्ति करने से, आप भगवान को मना करके जो भाग्य में नहीं लिखा उसे भी पा सकते हो, यह भी एक विषय है। खैर, हमारा विषय क्या था, नीलम का। तो नीलम का रतन आप जरूर एक बार जीवन में प्रयास करो। आपकी कुंडली में अगर लिखा है तो आप पहनो, कुंडली नहीं है हाथ दिखाओ, हाथ में लिखा है अगर शनि पर्वत कितनी कितनी रेखाओं के ऊपर खड़े हैं, कितनी मजबूती के ऊपर है, तो नीलम पहनो। कैसा नीलम पहनेंगे, अब बात आती है बहुत बार कि नारायण जी नीलम के साथ डायमंड, नीलम जहां से निकलता है, जिस माइंड से निकलता है, नीलम और पुखराज, नीलम और बृहस्पति के पुखराज, ये दोनों एक ही पत्थर होते हैं, और इसमें हल्का सा एक अंश जो है डायमंड का भी मिलता है। ग्रेविटी नंबर 4, आपको नीलम पहनना चाहिए 4 ग्रेविटी का, बेस्ट 4 ग्रेविटी। बहुत लोग बोलेंगे 5 ग्रेविटी का आता है, 6 ग्रेविटी का आता है, पता नहीं क्या क्या कहां कहां से सर्टिफिकेट लेके आते हैं, होता ही नहीं। एक नीलम है,
आई थिंक 4.4 ग्रेविटी का एक नीलम है, एक माइंस का, लेकिन मिलता नहीं, बहुत अच्छा होता है। तो नीलम, आप कलर पे मत जाओ, नीलम की क्वालिटी पे मत जाओ। आपका जितना बजट है, 10,000 का है, 5,000 का है, 50,000 का है, 5 लाख का है, 5 करोड़ का है, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, उतने बजट का डालो। आपके ग्रहों की फाइट ग्रहों के साथ है, ना कि सामने वाले व्यक्ति को दिखाने के लिए कि गुरुजी मैंने नीला नीलम डाला है, बहुत सुंदर डाला है, पब्लिक देखेगी, अच्छा लगेगा। नहीं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग नीलम प्लान करें। एकदम ट्रांसपेरेंट अच्छा नीलम मिले, बढ़िया नीलम मिले, बहुत अच्छी बात। यदि नीलम के साथ अगर असली हीरा नीलम के चारों तरफ यदि आप लगा लेते हैं, मजा आ जाएगा। नीलम यानी शनि और डायमंड यानी शुक्र, तो शनि शुक्र दोनों क्या हुए, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे विचार मिलते हैं दोनों के, बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप है। तो नीलम को आपने जब कभी पहनना हो, मौका मिले, तो आपने क्या करना है, नीलम को क्या करना है, साथ में हीरा जड़वा लें, छोटे छोटे डायमंड लगवा लें साइड के अंदर। ये नीलम आपको काम करेगा, रिजल्ट्स ज़्यादा देगा, लग्जरी को बढ़ाएगा, बिजनेस को बढ़ाएगा, फाइनेंस को बढ़ाएगा, एजुकेशन में आगे लेके जाएगा, कंपटीशन में आगे लेके जाएगा। नीलम बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप नारायण जी को फॉलो करना चाहते हैं, तो नारायण एस्ट्रो फ्रेंड और नारायण एस्ट्रो इंडिया के नाम से आप हमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे रोजाना के वीडियोस, रोजाना के प्रोग्राम्स देख सकते हैं। रोज एक रत्न के ऊपर, रोज एक वास्तु के ऊपर, रोज एक नजर के ऊपर, एक नए विषय के साथ नारायण जी आपके सामने आते हैं। इतने सालों से जुड़े हैं, 2005 से नारायण जी ने टीवी पे प्रोग्राम शुरू किया था, जो उस समय से जुड़े हैं। आज आपको पता है, नारायण जी कभी आपको गलत रास्ते नहीं डालते, एकदम परफेक्ट बेस्ट राय देते हैं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। खैर, ईश्वर की इच्छा है, नारायण की इच्छा है, भगवान विष्णु की कृपा से सब ठीक होगा। आप नीलम जीवन में एक बार जरूर प्रयास कीजिएगा, नारायण जी को आज्ञा दीजिएगा। दोस्तों, कर फिर मिलते हैं इसी समय, और फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण।